चिल्वाताल थाने की पुलिस ने पशु तस्करी में शामिल पशु तस्करों के गैंग लीडर सहित 7 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि पशु तस्करी में शामिल 7 अभियुक्तों के ऊपर जिलाधिकारी के निर्देश पर चिल्वाताल पुलिस ने गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की है, जिनकी पहचान जफरुद्दीन पुत्र आबिद अली निवासी सोहसा पट्टी थाना कसिया जनपद कुशीनगर, दूसरा नूर मोहम्मद पुत्र एनुल खान निवासी भुलिया अग्रवा थाना तरिया सुजान जनपद कुशीनगर, तीसरा तौसीफ पुत्र गुलाम वारसी निवासी सिमरा हरदो थाना कुबेर स्थान जनपद कुशीनगर, चौथा इमाम हुसैन पुत्र जिलानी निवासी कोइंदी पट्टी थाना तरिया सुजान जनपद कुशीनगर, पांचवा शेरू हुसैन उर्फ बुफराम पुत्र जिलानी निवासी कोइंदी पट्टी थाना तरिया सुजान जनपद कुशीनगर, छठवां अनूप यादव पुत्र दिनेश यादव निवासी हरसेवकपुर नंबर 2 थाना गुलेरिया जनपद गोरखपुर, सातवां इमामुल हक पुत्र अलीमुद्दीन निवासी कनक पिपरा थाना पटहरवा जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, आज दिनांक 22/11/2022 को थाना चिल्वाताल में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के पशु तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पशु तस्कर जफरुद्दीन व उसके गैंग के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। इस गैंग में जफरुद्दीन के अतिरिक्त 6 अन्य अपराधी शामिल हैं। इन सभी पर पशु तस्करी व अन्य अपराधों में 6 से 8 तक मुकदमे कायम हैं। ये विभिन्न स्थानों से पिकअप पर पशुओं को लाद के और बिहार पहुंचाते रहे हैं। इनकी संपत्तियों का भी साथ ही साथ पता लगाया जा रहा है और उनको भी जब्त करने की कार्रवाई साथ ही साथ की जाएगी और विधिक कार्रवाई करते हुए विवेचना संपादित की जाएगी।